सो है नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त दोस्त अभिषेक वर्मा आज फिर से सेटअप पे आ चुका हूँ। तो फिलहाल के लिए आज के नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कोरोना के चलते आप अपने मास्क को पहने और कैसे क्या मास्क को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कौन से लोग को मास्क लगाना चाहिए और कैसे क्या मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि इन सब का भी एक तरीका होता है। क्योंकि एक छोटी सी हमारी लापरवाही, छोटी सी गलती कोरोना वायरस का शिकार बना सकती है। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले तो यही कहूँगा। मेरा नाम है अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं वन साइडर गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कंपोज में आप एक मास्क ले लीजिए जो कि इस तरह का हो या कोई भी तरह का मास्क हो। पहले तो मास्क में कई सारी आती हैं वेराइटी वगैरह, तो फिलहाल मेरे पास तो ये मास्क है। आपके पास कोई कॉमन मास्क होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी जो दो थ्रेड होती हैं, जी हाँ, जो डोरी होती हैं, जो मास्क पहनने का सबसे पहला तरीका, WHO ने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में जिस तरह से बताया था, उस वीडियो से मैं वीडियो के माध्यम के द्वारा दी गई जानकारी को मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मास्क को पहनने के लिए आपको एक मास्क लेना है जो कि उसकी डोरी पकड़नी है दोनों, फिर उसके बाद में कुछ इस तरह से, देखिए गाइस, कुछ इस तरह से हमें मास्क को लगाना है। जी हाँ गाइस, कुछ इस तरह से मास्क को लगाना, हमें डोरियों की मदद से ही इसे पहनना चाहिए। और जब इसे उतारें तो इसको डोरी की मदद से उतारें, ठीक है। और हमें देखिए, मास्क में गलती अक्सर लोग क्या कहते हैं, मास्क पहनते तो सब कोई हैं लेकिन मास्क को यहाँ पर टच नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जो वायरस वगैरह होते हैं, जो कितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं, आप बैक्टीरिया वगैरह कह लीजिए, तो वो सब इसमें लगे होते हैं। जी हाँ, जो ये जो होता है इसमें लगे होते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो इसमें और बैक साइड में, और मेन तो बैक साइड है ये, ठीक है, और मेन और इसके सामने की साइड है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ, फ्रंट और बैक साइड को नहीं टच कराया जाता है, थ्रेड से पहने कुछ इस तरह से, दोबारा बता रहा हूँ। और उसके बाद जब इसे उतारना हो, ठीक है गाइस, तो इसको इस तरह से उतारें, ठीक है। फिर अपने आप को, अपने हाथ को सैनिटाइज़र से हैंड वॉश कर लें, और या तो फिर कोई सोप वगैरह से आप अपने हाथ को धुल के, और मास्क रेगुलरली, वन मंथ में तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग होंगे जो मास्क रेगुलरली धुलते नहीं होंगे, तो 2 से 3 बार मास्क को धुलना चाहिए। ये मतलब 2-3 दिन में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हफ्ते में धोते हैं या महीने में। तो इसी के साथ में एक छोटी सी वीडियो में, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो गाइज़ यार, अभी फ़िलहाल अगर मैं कोरोना वायरस के आंकड़े की बात करूँ तो 50 लाख के ऊपर आंकड़े पहुँच चुके हैं, और अब तक की कई सारी मौतें भी इसकी हो चुकी हैं, कम से कम 30-40 हज़ार मौतें भी इसकी सारी हो चुकी हैं। तो भाई, मौत तो हो ही रही है कोरोना के चलते, कोरोना एक महामारी बन चुकी है। आज हम लोग जिधर निकले, जिस फील्ड में निकले, कोरोना वायरस ही दिख रहा है, क्योंकि आज ऐसी महामारी है जिस महामारी के चलते हम लोग आज घरों में बैठे हैं। मगर आज खास बात और है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, तो उन्हें भी बहुत सारी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जी हाँ, हमारी YouTube फैमिली की तरफ से मैं यूट्यूबर पर्सनली उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और ज़्यादा कुछ वीडियो में नहीं कहूँगा। और आज रोज़गार दिवस भी है, जी हाँ, जो कि आज रोज़गार वगैरह प्रोवाइड कराएगी मोदी सरकार। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आखिरी बात, जाते जाते कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, अपना भाई समझ के, ठीक है। तो इसी के वीडियो में, इसी के साथ में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।